लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। दिल्ली में स्थिति जो राजनीति में होते रहता है, राजनीति में 2014 में बीजेपी की 7 सीटें चुन कर आई थी। अभी बीजेपी का 5% से ज़्यादा वोट परसेंट बढ़ गया है, 40% वोट उनको मिला है। लेकिन बीजेपी की हार का कारण दो का कारण है। एक कारण है वो अरविंद केजरीवाल जी ने पानी फ्री, लाइट फ्री, बस फ्री, मेट्रो फ्री, इसी तरह का सभी फ्री करने से लोगों का ज़्यादा झुकाव उधर हुआ। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जितना वोट लेना चाहिए था उतना वोट नहीं लिया। 70 में से 67 जगह पर उनका डिपॉजिट जब्त हो चुका है। तो अगर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अगर थोड़ा ठीक वोट लेते थे तो बीजेपी के जो कैंडिडेट 500,000 2-3 हज़ार जो हारे है तो वो मतलब जीत करा सकते थे और बीजेपी को 40 के ऊपर सीटें मिलने वाली थी। ठीक बात है, हम तो मैंडेट मान्य करते हैं, लेकिन जो राज्यों में वोटिंग हो रहा है ये नरेंद्र मोदी की तरफ देकर नहीं हुआ है, तो ठीक बात है। अब अरविंद केजरीवाल को जो सफलता मिली है उनको हम हार्दिक बधाई दे देते हैं और उन्होंने मतलब जो जीत हासिल की है तीसरी बार, मतलब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके तरफ से हमारी इतनी अपेक्षा है कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ संबंध अच्छे रखे और दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए दिल्ली सरकार से ज़्यादा पैसा ले और दिल्ली को न्याय देने का काम करे।